फायर सीजन में प्रदेश सरकार की अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसकी सूचना दूरभाष के माध्यम से विभाग को दी गई है। आगामी 3 महीने तक अब फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को अवकाश नहीं मिलेगा और किसी आपातकालीन स्थिति में ही अवकाश संभव है। सूचना मिलते ही अप्रैल से जुलाई महीने तक अब इनकी छुट्टियों पर प्रतिबंध लग गया है। आगजनी से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। हमीरपुर अग्निशमन विभाग ने भी फायर सीजन को लेकर कमर कस ली है। फायर सीजन में आग से बचाव के चलते अब तक वनों की चौकसी दिन रात रहेगी। आगजनी की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड दल बल के साथ मौके पर पहुंच जाएगी। आगजनी के नुकसान को कम करने के लिए दिन रात विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी, क्योंकि प्रदेश सरकार ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि आगजनी से निपटने के लिए तत्परता दिखाएं ताकि कम से कम नुकसान हो। हमीरपुर फायर ऑफिसर राजेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि पिछले साल भी अधिक संख्या में जंगल राख हो गई थी और हमीरपुर में ही हर एक जंगल आग की चपेट में आया था। इसी के मद्देनजर सरकार ने फायर ब्रिगेड कर्मियों की छुट्टियां 3 महीने के लिए रद्द कर दी हैं। 3 महीने तक कर्मचारी अवकाश नहीं ले पाएंगे। 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक जो है 3 महीने के लिए जो छुट्टियां ड्यू टू समर सीजन, क्योंकि समर सीजन में गर्मियों के दिनों में आग जो है बहुत ज्यादा लगती है और बहुत ज्यादा इसका प्रॉपर्टी लॉस होता है, होने के चांसेस होते हैं। इस करके जो है किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर किसी भी कर्मचारी को जो है छुट्टियां नहीं दी जाती है। सिर्फ किसी जैसे विशेष परिस्थिति, किसी कोई बीमार हो जाता है, कोई और सी इंसिडेंट हो जाता है, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी छुट्टियां दी जाती है, अदरवाइज छुट्टी नहीं दी जाती है। क्योंकि कोई नहीं है इसमें, क्योंकि फायर सर्विस का सिस्टम है क्विक रिस्पॉन्स देना है, तो इसमें नहीं किया सकता, कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता कि कोई कर्मचारी जो है वो अपनी मनमानी करे। वैसे भी फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो है मनमानी बहुत काम करते हैं, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है ड्यूटी के प्रति। अभी इसके लिए आप कभी भी हमारे से ऐसा देख सकते हैं कि चलो फायर सर्विस का मूवमेंट चेक करें। जैसे भी आप यहाँ बैठे हैं तो अभी आपको बोलेंगे कि हमने मूवमेंट देखनी है फायर सर्विस की, कैसे मोबिलाइज करती है, तो आपके सामने जो है वो विदिन 30 सेकंड जो है गाड़ी मूव होगी यहाँ से, कॉल अटेंड करने से लेकर कॉल क्लोज करने तक, उसके बाद 30 सेकंड हमारे को मिलते हैं, 30 सेकंड तक अंदर मूवमेंट होगी गाड़ी। गौरतलब है कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक फायर सीजन रहता है और इस दौरान आगजनी की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। जंगलों की आग पर काबू पाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। कई लोग घासनियों में आग लगा देते हैं, बाद में यही आग पूरे जंगल को तबाह कर देती है। आगजनी की घटनाओं में हर साल करोड़ों रुपए की वन संपदा राख हो रही है।